हे गाइस मैं उदय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है और देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कपलिंग कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, कौन कौन से कपलिंग कांस्टेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है सिग्नल्स की। अगर आप नहीं जानते हो कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है सिग्नल्स की तो आपको मेरी वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, जो पिछली वीडियो थी जो कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल के बारे में थी, वो देखना जरूरी है क्योंकि वो समझने के, इस चीज को समझने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमारे सिग्नल स्प्लिट होते हैं। ठीक है, अब स्प्लिट होने के बाद ये जो दो पीक्स आती हैं, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, यानी कि दो पीक्स जो एक दूसरे से एक दूसरे के पास हैं, यानी कि ये दो पीक, इन दो पीक की बात नहीं कर रहा मैं, इन दो पीक की यानी कि इन पीक्स की बात कर रहा हूँ जो एक दूसरे के बगल में हैं, इन पीक के बीच की जो डिस्टेंस है वही है हमारी कपलिंग कॉन्स्टेंट। अब कपलिंग कॉन्स्टेंट हमें बहुत कुछ बताती है क्योंकि हमें पता है सिग्नल जो आते हैं ना, सिग्नल का स्प्लिटिंग जो होता है वो किस तरीके से होता है। ये हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें इनमें जो इसके जो इस इनका इनमें जो प्रोटॉन है उनकी स्प्लिटिंग होगी क्वार्टेट में, सॉरी ट्रिपलेट में होगी, यानी कि ये जो सिग्नल देगा ट्रिपलेट में देगा और इनका जो सिग्नल आएगा वो क्वार्टेट में आएगा, यानी कि इनका सिग्नल इनके रेस्पेक्ट में आ रहा है, इनका सिग्नल इनके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये तीन है तो इनका क्वार्टेट आ रहा है, ये दो है तो इनका ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, तो इनका इन प्रोटोनों पर इनका असर पड़ रहा है, इन प्रोटोनों पर इनका असर पड़ रहा है, यानी कि ये दोनों प्रोटोन एक दूसरे के बगल में ही हैं, यानी कि ये जो प्रोटोन है और ये जो प्रोटोन है ये दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो दो कार्बन एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर हमें, यानी कि जो कपलिंग कांस्टेंट है, इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इनके बराबर होगा। मतलब ये है कि इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है, इनके जो पीक्स आएंगे उनके बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनकी जो पीक्स आएंगे, इनकी जो मल्टीप्लेट्स आएंगे उनके बीच की दूरी भी सेम ही होगी, यानी कि इनके बीच की दूरी ये क्या है, ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट कौन सा है, मैथिल, यानी कि मैथिल यहाँ पर सिग्नल दे रहा है 183 हर्ट्ज पर और ये जो ट्रिपलेट क्वार्टेट है यानी कि CH2 है ये यहाँ पर सिग्नल दे रहा है 305 हर्ट्ज पर। अब हमें तो ये तो सिंपल है यार, मेथिल, ये मिथाइलिन जो ग्रुप है ये यहाँ पर सिग्नल क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आयोडीन जुड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसे डिसिल्डेट कर रहा है, अब डिसिल्डेट कर रहा है तो ये डाउन फील्ड में सिग्नल देगा। ये मेथिल है यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए ये अप फील्ड में देगा क्योंकि ये सिल्डेट फील कर रहा है, इतना डिसिल्डेट फील नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होता है। तो इन पर का जो सिग्नल आता है वो किस तरीके से ट्रिपलेट में टूटता है और इनका जो सिग्नल है ये क्वार्टरेट में किस तरीके से आता है वो सारी चीज़ आप जानते होंगे और इनके बीच की दूरी भी सेम होगी, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोजन एक दूसरे के बगल में हैं, इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं क्योंकि इनका जो कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो इसके सेम ही होगी। इनकी अगर 7.5 है तो इनके भी 7.5 ही होगी, यानी कि इनका जो सिग्नल आ रहा है और उस सिग्नल के बीच की जो डिस्टेंस है, दो पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7.5 है, तो इनका जो सिग्नल आएगा, इसका जो सिग्नल आएगा यहाँ पर, इनके पीक्स के बीच की डिस्टेंस भी 7.5 ही होगी, यानी कि ये दो प्रोटॉन एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं। इस चीज को हम कपलिंग कॉन्स्टेंट से समझ सकते हैं, यानी कि जो स्पेक्ट्रा आएगा ना, स्पेक्ट्रा इस तरीके से आता है। अब उस स्पेक्ट्रा में हम देख लेंगे कि कौन कौन से जो पीक्स हैं, उन पीक्स में जो बीच की डिस्टेंस है ना, दो पीक्स की डिस्टेंस, यानी कि कौन कौन से मल्टीप्लेट, ये क्या है, मल्टीप्लेट है, और मल्टीप्लेट में ये क्या है, पीक्स है, ये चार पीक हैं, ये तीन पीक हैं। अब इन पीक्स के जो बीच की डिस्टेंस है, उन पीक्स की उस डिस्टेंस से हम पता लगा लेंगे कि कौन कौन से प्रोटोन एक दूसरे के बगल में हैं, कौन कौन से प्रोटोन का असर एक दूसरे पर पड़ रहा है। इस चीज को हम कपलिंग कॉन्स्टेंट से आराम से समझ सकते हैं। अब किस तरीके से लिखना है इसको वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक ऑफ मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि दो
पीक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। किस में? मल्टीप्लेट में। ये जो है ये मल्टीप्लेट्स ही हैं, इन मल्टीप्लेट्स में दो एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बगल में जो पीक्स होती हैं उन पीक्स के बीच की डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। द कपलिंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय जे, यानी कि ये जो कपलिंग कांस्टेंट जो होता है इसे जे से डिनोट करते हैं। द कपलिंग कांस्टेंट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्गली ए न्यूक्लियस अफेक्टेड बाय द स्पिन स्टेट ऑफ इट्स नेबरिंग, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इन हाइड्रोजन की जो स्पिन है, इन हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो स्पिन, उनकी जो स्पिन स्टेट है उससे कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं ये हाइड्रोजन। इस चीज को हम इस कपलिंग कांस्टेंट से बता सकते हैं, यानी कि ये जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि हमारे हाइड्रोजन, यानी कि ये जो मेथिल ग्रुप है इसके हाइड्रोजन कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं इन हाइड्रोजन की स्पिन स्टेट की वजह से, इनकी जो स्पिन है उसकी वजह से कितना ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। ये देखो ये कई चीजों पर डिपेंड करती है। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहां पर है, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस कम होगी तो ज्यादा इफेक्ट करेंगे, इनकी जो स्पिन है इनकी स्पिन ज्यादा इफेक्ट करेगी इन हाइड्रोजन को। कब करेगी? जब इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। और डिस्टेंस कम कब होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी कि कई सारे फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। यानी कि अगर हमारे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनका इफेक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है उस नेबरिंग हाइड्रोजन के स्पिन स्टेट की वजह से, इन चीजों को मेजर कर दी है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट ये बताता है कि ये जो मेथिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं मेथिल ग्रुप, मैं एग्जांपल ले रखा हूं यहां पर इसलिए बता रहा हूं ये कि ये मेथिल ग्रुप के हाइड्रोजन कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं इनकी स्पिन स्टेट की वजह से, इनकी जो स्पिन की वजह से कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इस चीज को समझाता है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगली चीज द डिफरेंस, ठीक है ये तो बता दिया मैंने, नहीं ये नहीं बताया ना, द डिफरेंस बिटवीन टू बिटवीन द मल्टीप्लेट पीक इज मेजर ऑन द सेम स्केल ऑन एज द केमिकल शिफ्ट एंड द कपलिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। यानी कि देखो हम कब जो ये केमिकल शिफ्ट है इसको भी हर्ट्ज में ही लेते हैं, और जो हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है इसको भी हम हर्ट्ज में ही लेते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो केमिकल शिफ्ट है, ये केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी पर, और जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी कितनी भी ज़्यादा हो। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी लगा लो, हम चाहे 60 मेगाहर्ट्ज पर काम करें या फिर 100 मेगाहर्ट्ज पर काम करें, हमारा जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। हाँ, हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो चेंज होती है। कब होती है? जब हमारी इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। अगली चीज फॉर एथिल आयोडाइड, ये एथिल आयोडाइड द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज 7.5, यानी कि इनमें जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 7.5 होती है। दैट मीन्स इन एथिल आयोडाइड द कपलिंग कांस्टेंट फॉर मेथिल एंड मिथाइलिन प्रोटॉन मल्टीप्लेट पीक इज 7.5, यानी कि इनके जो पीक्स होती हैं, ये मल्टीप्लेट है, ये क्या है, ये कौन सी है, ये है ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट मिथाइलिन की वजह से, यानी कि ये मिथाइलिन के प्रोटॉन है, प्रोटॉन सिग्नल दे रहे हैं, और ये जो क्वार्टरेट है ये इसके CH2 मिथाइलिन ग्रुप के सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द अमाउंट ऑफ कपलिंग इज कॉन्स्टेंट, यानी कि जो कपलिंग की वैल्यू होती है, कपलिंग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। द यूनिट ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट इज CPS, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, यानी कि जो ये होती है ना, ये कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू, इसको हम हर्ट्ज में भी बता सकते हैं और साइकिल पर सेकेंड में भी बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम हर्ट्ज में ही लिखना पसंद करते हैं। अगली चीज द वेरियस प्रोटोन विच हैव सेम कपलिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन, यानी कि वे प्रोटोन जो कि जिनकी जो कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन। यानी कि ये जो प्रोटोन है,
ये मिथाइलिन और मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटोन हैं ये आपस में मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटोन है, क्योंकि इनके बीच की जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम आ रही है। अगली चीज, बाय द हेल्प ऑफ कपलिंग कांस्टेंट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस, यानी कि सिस और ट्रांसफॉर्म जो होती हैं उनके बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सिस फॉर्म है कौन सा ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि जो हमारा सिस कंपाउंड है उनके जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी और हमारे जो ट्रांसफॉर्म है उनके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। देखो सिस और ट्रांस जो होते हैं ना, इन दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, फर्क होता है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका फर्क होता है। अब स्ट्रक्चर का फर्क होता है तो उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वही बता पाती है कि ये सिस है और ये ट्रांस है। वैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी क्या बताती है कि कौन कौन से एटम है, कपलिंग कांस्टेंट से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। एक चीज केमिकल शिफ्ट से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। अगली चीज, बाय द हेल्प ऑफ कपलिंग कांस्टेंट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेट, यानी कि इस चीज से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी जो मल्टीप्लेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, कौन कौन सी मल्टीप्लेट का असर एक दूसरे पर नहीं पड़ रहा है, कौन कौन से जो ग्रुप हैं उनमें जो हाइड्रोजन है उनका इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ रहा है। अब इसमें जो मिथाइलिन है ये मिथाइलिन के सिग्नल है ये मिथाइल के सिग्नल है, तो मिथाइल के सिग्नल मिथाइलिन पर मिथाइलिन के प्रोटोन पर इफेक्ट डाल रहे हैं और मिथाइलिन के जो प्रोटोन है वो हमारे मिथाइल के प्रोटॉन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर ये इफेक्ट डाल रहे हैं जिससे इनके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है। और सेम आती है इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोटॉन इन प्रोटॉन पर इफेक्ट डाल रहा है और ये प्रोटॉन इन पर इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के बगल में ही प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के बगल वाले कार्बन पर ही प्रेजेंट हैं। अगली चीज, द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रिक्वेंसी, यहां पर क्या आएगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट फ्रिक्वेंसी अगर 60 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ट्रिपलेट है ये 110 हर्ट्ज पर आएंगे और जो हमारी क्वार्टरेट है वो हमारी 183 हर्ट्ज पर आएगी। लेकिन अगर हम 100 मेगा हर्ट्ज पर काम करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 मेगा हर्ट्ज है, तो हमारी जो ट्रिपलेट है वो 183 हर्ट्ज पर आएगी। अगर कपलिंग कांस्टेंट की बात करें तो सेम आएगा, लेकिन जो हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। ये हमारी जो क्वार्टरेट है ये 305 हर्ट्ज पर आती है, लेकिन एक चीज क्या है कॉमन है हमारा कपलिंग कांस्टेंट, यहाँ पर भी कपलिंग कांस्टेंट 7.5 है और यहाँ पर भी हमारा कपलिंग कांस्टेंट 7.5 है, यानी कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पर। इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं हम तो हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज क्या करती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अगली चीज क्या है, अगली चीज है द मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड इंटरफेयरिंग बिटवीन टू एटम और ग्रुप ऑफ इंटरफेयरिंग एटम, यानी कि देखो यार सिंपल है कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो इनके हाइड्रोजन जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होगी, यानी कि इन पर इन प्रोटोनों पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा इनकी स्पिन का। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इन प्रोटोनों का इफेक्ट इतना नहीं पड़ पाएगा इन प्रोटोनों पर, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उन पर ही डिपेंड करती है हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतना ही हमारा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कपलिंग कांस्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, हम कपलिंग कांस्टेंट को इस तरीके से इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज जेमिनल कपलिंग, टू बॉन्ड कपलिंग भी से बोलते हैं और J2B से बोलते हैं। अब पहली चीज जेमिनल कपलिंग समझने से पहले जेमिनल प्रोटॉन को समझते हैं कि जेमिनल प्रोटॉन होते क्या हैं। ठीक है, प्रोटॉन अटैच्ड विद सेम कार्बन एटम बट डिफरेंट एनवायरनमेंट कॉल्ड जेमिनल प्रोटॉन एंड द कपलिंग बिटवीन दिस प्रोटॉन दिस टू प्रोटॉन इज
जेमिनल कपलिंग, इट इज डिनोटेड बाय JJM, यानी कि ऐसे प्रोटॉन जो कि एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उसी को और वो जो इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे पर उसको हम जेमिनल कपलिंग बोलते हैं, यानी कि उनकी जो स्पिन स्टेट है वो किस तरीके से इफेक्ट डालती है उसको हम जेमिनल कपलिंग बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय JJM, यानी कि JJM से इसे डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है उससे जुड़े हुए दो प्रोटॉन है लेकिन इन दोनों प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, यानी कि ये दोनों के दोनों प्रोटॉन अलग 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 सिग्नल देंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है, प्रोटॉन, ये देख लिया। अगली चीज, इफ बॉन्ड एंगल इज लेस देन 125, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमारा जो ये बॉन्ड एंगल है ये लेस देन यानी कि 125 से कम है देन वैल्यू ऑफ जेमिनल कपलिंग इज नेगेटिव, यानी कि जेमिनल कपलिंग की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। एंड इफ बॉन्ड एंगल इज मोर देन 125 देन वैल्यू विल बी पॉजिटिव, यानी कि अगर बॉन्ड एंगल हमारा 125 से ज्यादा है तो उसमें उस कंडीशन में हमारा जो जेमिनल कपलिंग की वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगली चीज विसिनल कपलिंग, इसे बोलते हैं थ्री बॉन्ड कपलिंग, J3 से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, विसिनल प्रोटॉन आर दोज प्रोटॉन विच इज सेपरेटेड बाय थ्री बॉन्ड, यानी कि जेमिनल प्रोटॉन हम उसे बोलेंगे जो प्रोटॉन तीन बॉन्ड से सराउंडेड होता है या फिर सेपरेटेड होता है, तीन बॉन्ड से सेपरेटेड होता है, यानी कि ये जो प्रोटॉन है इन प्रोटॉनों के बीच में तीन बॉन्ड आ रहे हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, यानी कि इन दो प्रोटॉनों के बीच में तीन बॉन्ड आते हैं, तीन बॉन्डों से ये सेपरेट, तीन बॉन्ड से ये सेपरेटेड होता है, इसी इन प्रोटोनों को हम बोलते हैं जेमिनल प्रोटोन और सॉरी विसिनल प्रोटोन, और इनकी जो स्पिन होती है वो इफेक्ट डालती है एक दूसरे पर। अगली चीज, द वैल्यू ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट फॉर विसिनल प्रोटोन डिपेंड्स ऑन द डाइहाइड्रल एंगल। इफ डाइहाइड्रल एंगल, देखो डाइहाइड्रल एंगल किस तरीके से होता है ये पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए जरूरी होती है। जैसे एथीन होती है ना, ये हमारी एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मान लो सॉरी एथीन नहीं एथेन, ठीक है ये है। तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, मान लो ये है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, सॉरी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तीन हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, तीन हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, चौथा हाइड्रोजन यहाँ, मान लो ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इनके जो बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इसी को हम बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल, यानी कि जो दो कार्बन है उन दो कार्बन पर जुड़ा हुआ जो भी हाइड्रोजन है उनका बीच का जो एंगल होता है उसी को डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं। तो इस डाइहाइड्रल एंगल पर डिपेंड करती है हमारी कपलिंग, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इफ बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस टू प्रोटॉन इज 0 और 180 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ विसिनल कपलिंग इज लार्ज बट एट 90 डिग्री इट इज नेगेटिव, यानी कि अगर डाइहाइड्रल एंगल हमारा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है तो हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू होगी विसिनल कपलिंग की, और अगर हमारा डाइहाइड्रल एंगल 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमारा जो कपलिंग विसिनल कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। तो देखो 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री तब होगा जब यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, सॉरी यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन सेम ही डिस्टेंस यानी कि सेम ही डायरेक्शन में है, उस कंडीशन में इसका जो एंगल है वो तो 0 होगा। अगर मान लो ये हाइड्रोजन यहां है, ये हाइड्रोजन यहां पर है, तो इस कंडीशन में यहां पर 180 डिग्री होगा। अब ये हाइड्रोजन यहां है, ये हाइड्रोजन यहां पर है, तो इस कंडीशन में सोच के देखो, ये एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन आपके सामने है, तो इस कंडीशन में यहां का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री होगा यानी कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन, एक यहां है एक यहां पर हाइड्रोजन है, तो वहां पर उस कंडीशन में उसे बोलते हैं एक्लिप्स। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। तो स्टेगर्ड में हमारा जो बॉन्ड डाइहाइड्रल एंगल होता है वो 180 होता है, इसका मान लो किसी का मान लो 180 होता है हमारा डाइहाइड्रल एंगल। ठीक है, अगर इसका माने इससे दोनों का माने तो 180 होगा, इनका माने तो 180 होगा, तो 180 अगर होगा और 0 अगर होगा तो सबसे ज्यादा हमारा
विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगर 90 डिग्री है हमारा डायहेड्रल एंगल तो हमारा जो कपलिंग कांस्टेंट विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है, अगली चीज लॉन्ग रेंज कपलिंग। अगर हमारा जो देखो ये जो डिस्टेंस अगर बढ़ती जा रही है ना, इन दो प्रोटोनों के बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उतनी ही कम हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस होगी ना इन दो पीकलेट्स की, इन जो पीक आ रही है उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होगी। जो पीकलेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि हमारा जो प्रोटोन है वे कितने नज़दीक हैं। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, इस कंडीशन में जितने ज़्यादा नज़दीक हैं उतना ही ज़्यादा फायदा है। यानी कि अगर ये दो प्रोटोन एक दूसरे के पास में हैं तो इसका इफेक्ट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस पर, इस प्रोटोन पर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर मोर देन थ्री कोवलेंट बॉन्ड वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी कपलिंग, बट वी डू नॉट एनी कपलिंग। यानी कि अगर हमारे पास तीन कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, हमारे जो प्रोटोन हैं उनके बीच में तीन कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कपलिंग देखने को ही नहीं मिलती। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हमें कपलिंग देखने को मिल सकती हैं। देखो कंडीशन किस तरीके से, सोचो अगर इन दो प्रोटोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कम कर दें तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ने लगेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन पड़ने लगेगा। अब मान लो डिस्टेंस ही इतनी है तो कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है इस पर नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो कब इफेक्ट पड़ता है, तब इफेक्ट पड़ता है जब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो। और डिस्टेंस हम तीन बॉन्ड जब आ जाते हैं, तीन कोवलेंट बॉन्ड, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है। उस कंडीशन में हमें ज़्यादातर कपलिंग नहीं देखने को मिलती है उन प्रोटोनों के बीच में। लेकिन अगर उस डिस्टेंस को हम कम कर दें, कैसे भी कम करें लेकिन कम कर दें, तो उस कंडीशन में हमें कपलिंग देखने को मिल जाती है। अब कम कैसे कर सकते हैं, उन बॉन्ड्स में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेकर के कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो एटम होते हैं, यानी कि दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अब उनके बीच की अगर डिस्टेंस कम होगी तो हमारे जो प्रोटोन है वो नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे हमारे प्रोटोन तो उस कंडीशन में उनके बीच में कपलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बट अनसेचुरेटेड कंपाउंड शो दिस टाइप ऑफ कपलिंग, बट द कंडीशन इज द स्पेक्ट्रा शुड बी हाई रेजोल्यूशन। लेकिन जो ये जो कपलिंग होती है ना बहुत ही कम होती है। बहुत कम किस तरीके से होती है, यहाँ पर जो ये इस सिग्नल आएंगे ना, ये सिग्नल के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी ये जो पीक्स आएंगे इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत कम हर्ज में होती है, जो कि हमें साफ नहीं दिख पाती है। अगर हमें साफ स्पेक्ट्रा चाहिए ना तो हमें हाई रेजोल्यूशन पर ही काम करना पड़ेगा। हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा चाहिए, और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा कब देखने को मिलता है, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस कंडीशन में हमें हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। अब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा अगर होगा तो उसमें हमें देखने को मिल जाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस। अगली चीज, बट इन द स्पेशल केस इफ सैचुरेटेड इज इफ स्ट्रक्चर इज डब्लू लाइक देन कपलिंग स्टार्टेड। देखो अगर इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर है तो उस कंडीशन में हमारे पास कपलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि देखो यहाँ पर इन दो प्रोटोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। कब कम हो गई, जब हमारी जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल में जो शेप है वो डब्लू लाइक होती है। तो देखो ये हमारे पास एक कोई कंपाउंड है जिसमें ये दो प्रोटोन हैं, इनके बीच में देखो एक दो तीन चार हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ चुके हैं, लेकिन इनकी जो शेप है उसकी वजह से इसमें कपलिंग देखने को मिलती है। इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो सिंगल बॉन्ड की अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनमें जो शेप है उसकी वजह से ये दोनों प्रोटोन नज़दीक आ जाते हैं, जिससे इनकी जो स्पिन होती है उन स्पिन की वजह से एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा कपलिंग कॉन्स्टेंट के बारे में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।